आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है केल्विन चक्र के दिए गए निरूपण में ए बी सी को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो हमें यहाँ पे केल्विन चक्र दिया गया और ए यहाँ पे इंगित किया गया है, बी यहाँ और सी यहाँ इंगित किया गया है, इनको हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन चक्र के बारे में। इसको हम C3 चक्र भी बोलते हैं, C3 चक्र, और इसमें निर्माण होता है ग्लूकोज का, इसमें निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये C3 चक्र के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे C3 चक्र की प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है ये जुड़ के बनाते हैं 3PGA। तो ये B जो है ये कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे बनता है 3PGA, जिसको हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है यहाँ पे, ये यह है यहाँ पे B। उसके बाद में 3PGA जो है यहाँ पे क्या बनता है 3PGA से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ ये बॉक्स जो है इसमें बनेगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है और यहाँ पे ATP का अणु यहाँ पे खर्च होता है। तो ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है इससे बनेगा C नंबर जो होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो C यहाँ पे होगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ये बनेगा यहाँ पे ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये C है। ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट होता है राइबुलोज 5-फॉस्फेट। तो यहाँ बनेगा राइबुलोज 5-फॉस्फेट बनेगा और यहाँ पे पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होगी जहाँ ATP खर्च होगी। और ये जो राइबुलोज 5-फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबुलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट यानी कि RUBP। तो ए आएगा यहाँ पे RUBP, राइबुलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ये प्रक्रिया होती है केल्विन साइकिल की। तो हमें यहाँ पे पहले विकल्प में दिया गया है ए के लिए 3PGA, तो ये यहाँ पे गलत है। ए जो है ये हमने देखा था क्या होगा, RUBP होगा। दूसरे विकल्प में बी में दिया गया ए के लिए RUBP, बी के लिए दिया गया है 3PGA, तो ये भी सही है। तीन के लिए ट्रायोज फॉस्फेट, तो सी हमने यहाँ पे देखा था ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है। 3-फॉस्फेट के मतलब होता है यहाँ पे 3-फॉस्फेट के अणु है और 3 ट्रायोज तो है, इसका मतलब होता है ट्रायोज का मतलब 3-फॉस्फेट। तो ये विकल्प यहाँ पे बी नंबर का सही है। सी में ए के लिए दिया गया PEP, तो ये गलत है। डी के लिए भी PEP दिया गया, ये भी गलत है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सही उत्तर आएगा विकल्प बी। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।